मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अ फोर्थ पार्ट रिलेटेड टू द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्लास 11th। इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू द GST एंड IFBS विच इज़ रिप्लेस्ड टू द गैप ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट इन द फर्स्ट सेशन रिलेटेड टू द गैप। Now, before starting this session, I will told you my all viewers, please subscribe my channel, Just Do It for Bright Future, and press bell icon for my latest video. Now, without wasting, start this session. The IFRS, International Financial Reporting Standard. This is replacing to the GAAP. Now we are starting from this. The terms of to the International Financial Reporting Standard has a both a narrow and broad meaning. IFRS refers to the new numbered series to the pronouncement made by the International Accounting Standard Board which standards and interpretation. Kehne ye jada International Financial Report Standard jada short name ki hai IFRS इन्हों की है यदा नैरो भी आ ब्रॉड मीनिंग भी आदा मेन मीनिंग की आदे यूज़ किया जाता ये नंबर ऑफ सीरीज बनाई गई ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से किस तरीके यूज़ करना उन्होंने किस तरीके वर्क करेगा तो उन्होंने असी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके इंप्लीमेंट करना है सारे स्टैंडर्ड जोड़े ने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के वह सारे इंडिया फॉलो किया जाता क्योंकि ये की है यूनीवर्सल प्रिंसीपल्स ने जोड़े कि IFRS द्वारा दिते जाते हैं। नैक्सट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द IFRS। फर्स्ट हैगा टू डिवेलप वाधा करना इन द पब्लिक इंटरस्ट सिंगल सैट ऑफ टू द हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल एंड इनफोर्सेबल ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट रिक्वायर्स द हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट एंड कंपेयरेबल इनफॉर्मेशन इन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर फाइनैशियल रिपोर्टिंग ये की आ भी जो पब्लिक इंट्रस्ट आ सारे चीज़ा लैके चल रहे हैं भी असी किस तरीके अंडरस्टैंडेबल करिए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ किस तरीके हाई क्वालिटी अचीव कर सकता वा ट्रांसपेरेंसी लियानी भी कोई फ्रॉड ना हो सके तो ज़्यादा तो ज़्यादा असी फाइनैशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकी अदर होर फाइनैशियल रिपोर्ट बना सकी। सैकेंड हैगा टू प्रमोट द यूज़ एंड द रेगुलर्स एप्लीकेशनस ऑफ दो स्टैंडर्ड ये कुछ क स्टैंडर्ड दी असी उन्होंने दो चार स्टैंडर्ड अगे प्रमोट किए हैं। फस्ट हैगा टू ब्रिंग अबाउट टू द कॉन्वर्जेंस ऑफ टू द नैशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS एंड IFRS टू द हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड कहते इन्होंने बनाया गया तो जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ने भी जिद सारिया चीज़ों फॉलो किया जा सके तो वधिया ढंग समझाया जा सके। इन द फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू द IFRS टू टेक्स द अकाउंट ऑफ द स्पेशल नीड्स एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कहते ज़्यादातर जो इन्होंने फोकस रखा गया कि रखा गया स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के उत्ते भी जो उन्होंने जोड़े अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ने तो उन्होंने कॉम्प्लीकेशन आदि ने उसको किस तरीके सॉर्ट आउट करके उन्होंने वधिया ढंग अकाउंटिंग की नॉलेज दी जा सके। नैक्सट हैगा सब तो इंपॉर्टेंट अचक पता ही होएगा भी ये कदों इंप्लीमेंट होया साडा जिहड़ा इंप्लीमेंट होया वा 2017 के इंप्लीमेंट किया गया सी। GST सब तो इंपॉर्टेंट टैक्स है ये जो जिमें वे होवोंगे तो कॉमर्स के पता लगेगा भी GST सब तो बड़ा रिफॉर्म मनिया गया इंडियन टैक्सीनेशन सिस्टम के क्योंकि इस तो पहला जिहड़ा कई डिफरेंट डिफरेंट तरह के टैक्स इंप्लीमेंट होंगे सके डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ उत्ते बट जी सेंटर गवर्नमेंट सी इन 1 July 2017 जोड़े साढ़े उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से अरुण जेटली जी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सैप्ट की किया गया सिंपलीफाई किया गया तो कि भी सारियां ये GST के बारे पता लग सके। GST की फुल फॉर्म की है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये हुण एक सिंगल टैक्स ही रह गया सी पहला नंबर ऑफ टैक्सीज लगते होंगे हरेक चीज़ों के उत्ते जेकर तुसी कभी मॉल्स के जाओ जब तुसी फिल्म थिएटर के जाओ तो तुहानू ये चीज़ देखने को मिलेगी उत्थे लिखा होएगा CGST उत्थे लिखा CGST एक लिखा होएगा
SGST ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਹੋਏਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ CGST ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ GST ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ SGST ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਲਓ ਰੇਜ਼ਰ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ MRP ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ MRP ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਟੈਕਸਿਸ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ GST ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ GST ਦਾ GST ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੋ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਡ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੋਰ ਲਿਵਿੰਗ ਟੂ ਦੀ GST ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਪੇ ਦੀ GST ਔਨ ਹਿਜ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ ਇੰਟਾਈਟਲ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਔਨ ਟੂ ਇਟਸ ਇਨਪੁੱਟਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ GST ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਵੀ ਉਹ GST ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨਾ ਵਾ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ GST ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ MRP ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ MRP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ MRP ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏਗੀ ਦੀ GST ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ 1 July 2017 ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅੰਡਰ ਦੀ GST ਟੈਕਸ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ 0.5% 12% 8% 28% ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਸੀਵਰੇਜਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸਿਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ GST ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ GST ਇਹ ਜਿਹੜਾ GST ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਟੇਟ ਬੇਸਡ GST ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ GST ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ CGST ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ GST ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ GST ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ GST ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਫੋਰਮਸ ਰਿਟਰਨਸ ਚਲਾਨ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਮਸ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਰਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਮੈਂਟ ਇਗਜ਼ਾਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ GST ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ GST ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨੋ ਕੈਸਕਾਰਡਿੰਗਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਕਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਘੱਟ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ GST ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ GST ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟੈਕਸ ਲੇਵੀਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ
फैक्ट्री के बाहर निकलते उदों भी लगता वा, तो जदों तक यह कोई बंदा कंज्यूम नहीं कर लैंदा, जब तक उन्हें यूज़ नहीं कर लैंदा उदों तक यह टैक्स सारे उत्ते बर्डन पैंदा रहिंदा वा। मान लो एग्जाम्पल लैंदे आ, जिवें कि मैं एक बुक की एग्जाम्पल लई भी आपां इंग्लिश की जिहड़ी बुक आ उह कौण आ पबलिश करदा वा, पंजाब एजुकेशन बोर्ड, तो पंजाब एजुकेशन बोर्ड जिहड़ी इहदी पब्लीकेशन करन तों बाद जदों इह डिस्ट्रीब्यूट करदा वा, जाने कि डिस्ट्रीब्यूटर आ दिंदा वा, तां उहनूं टैक्स पे करना पैंदा वा, क्योंकि उहने उहनूं सेल करूगा तां उहनूं इनकम जनरेट होएगी, तां उहदे उत्ते टैक्स पे करना पैंदा वा, तो वो जी एस टी उत्ते लगता वा। नैक्सट फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर वह फिर अगे अगे जो जोनस बने होंगे जिम्मे लुधियाना जलंधर इन डिस्ट्रीब्यूट करता वा, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लगे फिर वो भी सेल मनी जाती है, तो वे भी जी एस टी लगता वा। फिर उदू बाद हों भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो रिटेलरस देंगे, जिमें कि स्कूल्स हो गए या बुकशॉप्स हो गए, उन्होंने प्रोवाइड करता वा, तो वह भी जी एस टी लगता वा। तो जदों शॉपकीपर सानू दे दिंदा वा, तो अल्टीमेट जाने कि कंजम्पशन लास्ट स्टेज है कंजम्पशन की, तो उत्थे भी असं एक टैक्स पे करते हैं, क्यों, क्योंकि जोड़ा एम आर पी लिखा होता वे जी एस टी पहला ही इनकलूडिड हों। आई होप तुम क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट है वा ऑबजैक्टिव ऑफ टू दी आ जी एस टी, जी एस टी का की ऑबजैक्टिव आ, फस्ट है वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, भी ये मेन मोटिव की सगा भी साडा जेकर एक देश आ, तो साडा टैक्स जोड़ा होएगा वो भी एक ही होएगा, तो एक ही मार्केट के उत्ते उही टैक्स लगेगा, तो सारियां नूं इहदे विच यूनिफॉर्मिटी मिल गई, तो ईजी हो गया उस चीज़ को समझना। टैक्सेबिलिटी शिफ्टड टू दी सेलर मैनुफैक्चरर सर्विसिज टू दी आ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज, भी जो टैक्स रेट आ या फिर जो टैक्स का बटन आ वो शिफ्ट हुंदा रहिंदा वा, जिवें कि हुणे आपां गल कीती सी भी जिवें पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने भी जिहड़ी सेल कीती उहदे जी एस टी लाया, तो उहने जी एस टी पे करना सी, तां उह पहला ही उहदा प्राइस वधा के उस परसन नूं दिंदा वा डिस्ट्रीब्यूटर नूं, ते डिस्ट्रीब्यूटर जिहड़ा अगे जोनल नूं दिंदा वा, तां उह वी अपना टैक्स इनकलूड करके जिहड़ी उहने पेमेंट करनी हुंदी आ फिर वो सेल प्राइस चार्ज करदा। इसे तरीके नाल जिहड़ा शॉपकीपर हुंदा जिन्हें जी एस टी लास्ट दे विच पे करना हुंदा वा, तां उह वी अपना जी एस टी कैलकुलेट करके उस चीज़ के उत्ते लगा के फिर सानू सेल आउट करता वा। नैक्सट हैगा वा सीमलैस क्रेडिंग क्रॉस टू दी आ चेन, भी हुण पहला की हुंदा सीगा भी इन्हां विच कॉम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हुंदी सी इस टैक्स नूं समझना, क्योंकि मैं हुण दस्सिया भी नंबर ऑफ टैक्सिस यूज़ हुंदे सीगे, अराउंड अस 30 to 40 टैक्सिस लग जांदे सी इक क्वांटिटी दे उत्ते, पर किसी नूं पता ही हुंदा सी किहड़े टैक्स देते किहड़े नहीं, तां इस चीज़ नूं खत्म करन दे लई ते देखण दे लई भी इह जिहड़ा जी एस टी की चेन बनी हुई है उन्होंने किस तरीके रेगुलेट किया जाए, तो किस तरीके बनाया जाए इस चीज़ों को शिफ्ट करना, तो किस तरीके कि बटन कि जाएगा, वो सारिया डिस्कसिंग ये की गई। इलीमीनेट टू दी आ कैसकार्डिंग इफेक्ट ऑफ टू दी आ टैक्स, भी जो टैक्स का अगर इफेक्ट पैदा हों सारिया वो की है बटन हौली हौली सारिया के उत्ते शिफ्ट हों गया, पहला ये जो एक ही बार एक के उत्ते बटन पै जाता है, जिमें कि हम 40 टैक्सिस ने 40 के जो प्रोड्यूसर किसी सेल करता सी तो एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन ड्यूटी सेल्स ड्यूटी तो वैट लग जाता है, तो अगे जो अगे सेल करेगा फिर उत्ते एक्साइज ड्यूटी कट्टी जाती हूँ फिर वो किसी होर जो टैक्स का बटन से किसी होर तरीके उत्ते शिफ्ट करता है, तो यह चीज़ों को इलीमीनेट कर दिता, तो गवर्नमेंट एक ही टैक्स लगा दिता, तो सारा टैक्स का बटन भी पता लग जाता, तो टैक्स अकॉर्डिंग चार्ज भी करते रहते हैं। सिंगल रेट ऑफ टैक्स, भी हुण जिहड़ी भी चीज़ तुसीं बनाओगे उहदे उत्ते जिहड़ा टैक्स रेट होएगा जिहड़ा आपां पंज पढ़े ने, तां उहनां विचों ही एक रेट लगेगा, तो वह रेट ही सारिया ने उस रेट के उत्ते ही वो टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट नूं पे करनगे। नैक्सट हैगा यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस टू दी कंट्री, हुण इह जिहड़ा पूरी कंट्री के उत्ते जिहड़ा टैक्स रेट आ ते टैक्स की जिहड़ी वैल्यूएशन आ उह सारी की आ सेम हो गई आ, क्योंकि पूरी कंट्री दे विच इक्को जी एस टी लग रहा वा, तो जी एस टी एक लगन करके की हो गया भी जिन्नियां भी चीज़ा जिहड़ियां चीज़ पंजाब दे विच जिवें आपां मॉल्स जां किसी चीज़ विच लै रहे हैं जो 4000 की विक रही है विद जी एस टी, तो वह मुंबई बैंगलोर बड़े बड़े स्टेशन उत्ते जिहड़े भी तुसीं वह चीज़ा लाओगे तो वह भी उन्ने की ही मिलेगी, तो इस तरीके क्यों आ क्योंकि वह यूनिफॉर्मेशन टैक्स दे दा रेट लग रहा वा, तो इस करके जो रेट होएगा वो सारे कितने सेम होएगा टैक्स का भी तो क्वांटिटी का भी। नैक्सट तो लास्ट हैगा वा द प्रिंसीपल ऑफ टू दी कंजम्पशन बेस्ड डेजिग्नेशन टैक्सीनेशन, हुण जो प्रिंसीपल है बेस्ड हुंदा भी लास्ट के विच किहड़ा कंज्यूम करता वा, तो अखीर दे विच वो बटन उस परसन के उत्ते ही शिफ्ट हो जाता। मैं हुण दस्सिया सी भी जी एस टी की जिहड़ी चेन आ किस तरीके नाल बनाई सी, हुणी आपां गल कीती सी भी पी एस सी बी बोर्ड ने जिहड़ा बुक्स प्रिंट करता वा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर नूं दिंदा, डिस्ट्रीब्यूटर जोनल कोल जांदा, जोनल तों बाद रिटेलर नूं दिंदा वा, तो लास्ट वन जिहड़ा हुंदा कंज्यूमर उहनूं लै लैंदा वा, तां वो सारा बटन जिहड़ा वा अल्टीमेट जिहड़ा वो टैक्स का बटन जाएगा वो कंज्यूमर के उत्ते जाएगा, क्योंकि उही लास्ट के विच उहने उस चीज़ नूं यूटिलाइज करना वा, तो उहदा पूरा बटन उस परसन दे उत्ते आ जांदा, तो वह पैसे उन्होंने दे के उस चीज़ को खत्म कर दिंदा, तो इस करके जिहड़ा प्रिंसीपल है यह कंजम्पशन बेस्ड आ भी जिथे कंजम्पशन खत्म हो जाएगी तो उत्थे जी एस टी भी खत्म हो जाएगा। अज का सैशन दे विच असीं अज यही गल करनी आ भी जी एस टी की सीगा, आई होप तुहानूं इह जिहड़ा सैशन है पसंद आया होगा। जेकर किसी मेरे बच्चे ने मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो उन्होंने सबसक्राइब करो, जस्ट डू इट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर,
तो वो लोगों शेयर करो तो ज़्यादा बच्चे मेरे नाल जुड़ो ता जो असी होर भी वधिया ढंग नाल इहदी तैयारी कर सकीए। तो जेकर किसी बच्चे किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज हुंदी है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स के जरूर लिख सकता तो मैं उन्होंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करांगा। थैंक्स लॉट वॉचिंग फॉर माई सैशन एंड इन द एंड ऑफ दिस सैशन आई विल ऑलसो वी आर टेक वन काइंड ऑफ द बिजनेस स्टडीज टेस्ट विच हैज़ बीन गिविंग इन द एंड ऑफ टू द बिजनेस स्टडीज वीडियो सो विच स्टूडेंट्स हैज़ बीन बिलोंग्स टू दियर कमर्स बैकग्राउंड सो प्लीज़ गिव दिस टेस्ट एंड गिव देयर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स सो दैट्स वाई आई विल नो दैट वी हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन नो देयर कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन टॉट टू यू थ्रू टू दियर वीडियोज सो प्लीज़ कॉपरेट विद अस एंड सेफ होम स्टे होम। थैंक्स लॉट वॉचिंग फॉर माई वीडियो।